पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। इस बार ना किसी के झूठे बर्तन उठाने हैं, ना किसी को जुतियां पहनाने हैं। इस बार तो ना एकदम टाप टाप काम है ऑफिस असिस्टेंट का। ग्रेट। वैसे ये कंपनी का नाम क्या है और करती क्या है कंपनी? बुल्स एंड बेयर्स स्टॉक मार्केट और फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तुमने मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है क्या? मैं ये फैसला ना आपसे पूछ के लेना चाहती थी। आपको फोन भी किया, मैसेज भी किया, आपने नहीं उठाया। मैं क्या करती? मेरे को वहां ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं तो असिस्टेंट हूं ना, ऑफिस असिस्टेंट। तो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, शेयर मार्केट से जितना हो सके दूर रहो। अब ऐसी कंपनी में काम करोगी तो कहां से दूर रहोगी? ओ यार, जब तुमने मेरी कोई बात सुननी नहीं होती तो बात करने का फायदा क्या है? मैं मुझे ना तुमसे बात करनी नहीं है वानी। अब पापा, पापा एक गुड न्यूज़ है। वो जो मेरे क्रिकेट एकेडमी वाले सर है ना, वो कैंप रख रहे हैं और दो दिन बाद उसके ट्रायल भी शुरू हो जाएंगे। और उन्होंने कहा है जो अच्छा परफॉर्म करेगा ना उसको डिस्काउंट भी मिलेगा। खबर तो बड़ी अच्छी लाया भाई, लेकिन आजकल फाइनेंस मैं तो देखता नहीं, फाइनेंस मम्मी और बानी देखते हैं। चाची प्लीज, मुझे एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी है। ओ यार, इस घर में सबकी याददाश्त कमजोर है क्या? अभी उस दिन तो डिसाइड किया है, जब तक बलवंत का कर्जा नहीं उतर जाता तब तक एक नया खर्चा नहीं होगा घर में। ओ मान लो भाई रजत की बात यार, वरना ये मेरी राज दुलारी को बेच देगा यार। राज दुलारी? ओहो डैडी जी, वॉशिंग मशीन का नाम हमने राज दुलारी रखा है। हाँ डैडी, और रिंकू बाद में देखेंगे। पापा डिस्काउंट मिलेगा? 100% डिस्काउंट मिला तो यस है, वरना नो। क्या यार पापा, हमेशा मूड खराब करते रहेंगे, कभी कुछ दिलाते भी नहीं है। सोचना भी मत, कोई फिजूल खर्चा नहीं होगा घर में। वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। अच्छा लगा भी सुन के, कोई तो है इस घर में जो मेरे दिए संस्कार फॉलो कर रहा है अभी तक। क्या सही किया डैडी जी आपने, भी तो गिन्नी के दोस्तों को सामने से इनविटेशन देके डिनर पे बुला लिया। उसका भी तो इतना ज्यादा खर्चा, अभी तो मैंने छोले भटूरे का सलाद का कचुम्बर का सामान लेने जाना है। वो तो जाना, तुझे किसने रोका है? और इस डिनर का बजट पहले से सैंक्शन हुआ पड़ा है। और तुम सब लोग, जो रजत कह रहा है वो सही है, उसको फॉलो करो। मैं चलता हूं बेबे। पुत्र बानी को साथ लेके जाना। नहीं मम्मी, अब हमारे रास्ते अलग अलग है। ओ नहीं, ओ मेरा मतलब है कि उसका ऑफिस अलग डायरेक्शन में है, मेरा अलग डायरेक्शन में। चल अब तू कॉलेज जा, मैं ठीक हूँ। आज कॉलेज नहीं जाऊंगा, जॉब ढूंढने जाऊंगा मैं। पागल है तू, दिमाग खराब हो गया तेरा? पहले अच्छे से ना अपनी पढ़ाई पूरी कर ले कॉलेज की, जॉब चुप की बात ना बाद में देख लेंगे। हाँ, मैं पढ़ाई करता रहूं और आप यहाँ उस आदमी से मार खाती रहें। इससे मारा ना आपको उसने, इससे मारा ना, सामने आ जाना उसकी टांगे तोड़। सॉफ्टी, क्या कर रहा है ये? ये सब करेगा ना तो तुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाना है। सॉफ्टी, तू ना ये जॉब चुप के चक्कर में ना पड़, पहले पढ़ाई करो, अपनी मम्मी का ख्याल रखने के काबिल बन। दी, मैं कुछ भी सह सकता हूँ, अपनी मम्मी को ना तकलीफ में नहीं देख सकता। सॉफ्टी, तू ना एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा इंसान है, और उससे भी अच्छा एक बेटा है। हिंदू भाभी को ना तुझसे बहुत उम्मीद है, ये उम्मीदें ना तोड़। भाभी, आपके लिए लंच, खा लेना। चल तू भी उठ, तैयार हो कॉलेज के लिए? गिन्नी तैयार हो गई है। Oh my God, I can't believe मैं यहाँ रहती हूँ। क्यों, है ना बिल्कुल वैसा जैसा तुम सबको बताती हो? तुम्हारे झूठ को सच कर दिया मैंने। आप
थैंक्स रोहन, अगर तुम नहीं होते ना तो आज मेरी बहुत बुरी चॉपसी हो जाती। इल बेब्स, जब तक मैं हूँ तुम्हारी चॉपसी नहीं होने दूंगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी सबसे स्पेशल फ्रेंड जो हो। वो मैं कह रही थी कि वो मम्मी पापा, आई मीन वो एक्टर्स आ गए क्या? हाँ, वो तो तुमसे भी ज्यादा एक्साइटेड है। अंदर आ भी गए और मेकअप कर रहे हैं। हाय गौरव जी, बड़े हैंडसम लग रहे हो। इसी बड़ी इसी कंपनी के सीईओ लग रहे हो। तू भी तो सीईओ की सुपर मॉडल वाइफ लग रही है, देख। अच्छा अब सुन, अब तू ना करेक्टर में आ जा। वैसे बोलना क्या, वो तो बता दो। तूने बस सीईओ की हाँ में हाँ मिलाना। मैंने कहना बिल्कुल, तूने कहना बिल्कुल बिल्कुल, है ना? मैं सब अपने आप कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। बस ना यार एक फील ले लियो कि इस बंगले की ना सोच ले तू मालकिन है। हाय, वो तो जब से मैं आई हूँ तब से ही ले रही हूँ। मॉम डैड, अपनी बेटी से मिलो। भैया में लिखा ही है, शायद शेर बाजार ही है मेरे सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया। सांड जी, अब ना मैं आपसे डरने नहीं वाली, क्योंकि अब ना सारी ओके रिपोर्ट हो जानी। मुझे समझ आ गया, आपका मेरा शेर बाजार का कुछ तो कनेक्शन पक्का है। तभी तो देखो ना, मेरी किस्मत मेरा हाथ पकड़ के आप तक लेकर आई है। बस ये बात ना मुझे उस आलसी कछुए को समझानी है। सॉफ्टी को फोटो भेज दो, कितना खुश होएगा वो। मिस बानी खन्ना, हेलो सर। ये सब क्या हो रहा है? वो सब मैं ना थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी इतने बड़े सांड को देखकर। इट्स ओके, वैसे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि आज बॉस और मैडम दोनों ही ऑफिस नहीं आ रहे हैं। उनकी अर्जेंट मीटिंग आ गई दिल्ली में इस वजह से, नहीं तो ये उनके आने का टाइम होता है और गलती से वो तुम्हें इसके साथ देख लेते ना तो पता ही नहीं क्या बात होती। एक्चुअली थोड़े से मूडी है ना वो लोग, इसलिए। कोई बात नहीं सर, देखना मैं ऐसा काम करूंगी और इतनी मेहनत करूंगी ना कि वो लोग भी ना मुझसे खुश हो जाएंगे। सारी ओके रिपोर्ट कर दूंगी मैं, आप फिक्र ना करो। ओके आओ, तुम्हें चाची से मिलवाता हूँ। कोई चाची भी यहाँ काम करती है? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है सुपरवाइजर, हम उन्हें प्यार से चाची बुलाते हैं। ओके, वो तुम्हें सारा काम समझा देंगे। लोग किराए पे घर लेते हैं, कार स्कूटर बाइक ले लेते हैं, कुछ लोग तो कपड़े भी ले लेते हैं। तूने माँ बाप किराए के मंगा लिए? हाँ गिनी, तुझे मम्मी डैडी जी से क्या प्रॉब्लम है जो तुझे ये सब करना पड़ रहा है? भैया भाभी, आपको तो पता ही है ना, पापा ने बिना सोचे समझे मेरे दोस्तों को घर पे इनवाइट कर दिया। अरे मेरे सारे दोस्त हाई सोसाइटी के हैं,
बड़े बड़े कोठियों और बंगलों में रहते हैं सब। आपको तो पता ही ना हमारा घर कैसा है। अरे वहां कैसे बुला लूं मैं अपने दोस्तों को? तुझे शर्म आती है घर वालों को अपने दोस्तों से मिलाने में? भैया मैं वैसे नहीं कह रही, आप समझो ना थोड़ा सा। चुप कर, तेरी धोखेधड़ी में ना मैं तेरा साथ नहीं देने वाला। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।